व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटरहेड पार्थ एंड दिस इज पार्थ। सो दिस इज द सेकंड लास्ट डे और मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट डे। तो हम लोग आज निकल रहे हैं और बहुत थके हुए हैं हम लोग, स्लीप डिप्राइव्ड वी आर। तो अभी मैं यहाँ पर सारा मेरा सामान है, वो लोग तो गए नीचे क्योंकि उदिप्तो का बाइक यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ रहा है। उदिप्तो का बाइक में पेट्रोल है, तो मेरा जेरिकैन लेकर वो लोग भरने गए पेट्रोल और वो डालेंगे अपने बाइक पर। और सोमदीप और स्मिथ दोनों डबलिंग करके जाएंगे एक ही बाइक पर, वो लोग चेंज कर करके चलाएंगे कुछ तो ऐसा होगा। रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। अभी यहाँ पर मेरे सारे सामान है एज यू कैन सी, मुझे भी पैक करना है। और यहाँ पर मेरे सैडल बैग्स वगैरह सबके रखे हुए हैं वैसे। एंड यस्टरडे आई गॉट अ सेल इन नाइकी। तो क्या हुआ, मुझे पसंद आ गया एक शूज़, मैंने वन पेयर ले लिया। उसका डब्बा तो मैंने फेंक दिया क्योंकि आई गॉट दिस शूज़। तो ये घर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, इसका डब्बा तो मैंने फेंक दिया क्योंकि वो ले जाएगा फ़ायदा नहीं है और जगह भी नहीं है। वो डब्बा ले कुछ होता नहीं है, शूज़ से मुझे मतलब है भाई। एज यूजुअल बिफोर द राइड आई एम हैविंग ब्लैक कॉफी क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी भी समझ पा रहे हो मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ, एनर्जी बिल्कुल नहीं है शरीर में, बस चले जा रहे हैं। मुझे मतलब नींद चाहिए और एक घंटा दो घंटा अगर मुझे नींद मिल जाए तो मैं बिल्कुल अभी एकदम सियोर शॉट रहता हूँ, घर चला के लेके चला जाऊँगा डायरेक्ट। अभी देखता हूँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और हाँ, मेरे अकेले की तो बात है नहीं, आई एम इन अ ग्रुप एंड दीज गाइज आर मैन, दीज आर लवली गाइज मैन। तुम लोग वीडियो देख रहे हो भाई, उदिप्तो हैट्स ऑफ भाई, चेयर्स टू यू, थैंक्स फॉर दिस अबोर्ड। एंड स्मिथ एंड सोमदीप भाई, यू गाइज आर द बेस्ट। मतलब स्मिथ का था, सोमदीप का तो छोड़ो, उसको मैं बचपन से जानता हूँ, उसके ज़्यादा मैं तारीफ करूँगा नहीं। वो पागल है, बिल्कुल पागल है, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इस दुनिया का है ही नहीं सोमदीप। बट हाँ, उसको तो मैं बचपन से ही जानता हूँ, वो मेरा स्कूल टाइम का फ्रेंड है, यार फ्रेंड सिंस केजी, आपको तो मैंने पहले ही बताया, तो उसके साथ अलग चीज़ है। एंड अबाउट स्मिथ, स्मिथ से मैं मिला इसके सोमदीप के थ्रू और उदिप्तो से मिला मैं सोमदीप के थ्रू। तो अब क्या है, स्मिथ ही इज़ अ ग्रेट डूड मैन, उसको मतलब कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारा सब कुछ आपका करके रख देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना टू से भी आवाज़ नहीं करता है। कल यहाँ पर सारा सब कुछ उसने समेटा भाई, यार क्या समेटा, मतलब मुझसे तो हो नहीं पाता, मैं करता भी नहीं क्योंकि मैं उतना नहीं सोचता हूँ, आप लोगों को पता है मैं कैसा हूँ। तो हाँ ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लग रहा है एंड इज़ अ ग्रेट राइडर, वंडरफुली राइडिंग मैन। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिनों बाद कोई खुद के टक्कर का मिला है कि हाँ चला पाए, तो सीरियसली। और वो अपाची लेके चलाना, वो जो पैच हम लोगों ने क्रॉस किया, मैन हैट्स ऑफ, सीरियसली हैट्स ऑफ, स्मिथ डूड रेस्पेक्ट फॉर यू मैन, माई ब्रदर इज़ अ ग्रेट गेमर, अगर आपको देखना होगा, और म्यूजिक का बहुत ही सही काम करता है। सो इफ यू वॉन्ट टू फॉलो हिज चैनल, इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू हिज चैनल, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। मेरा भाई है इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कभी आज तक नहीं मैंशन किया, बट आई एम मैंशनिंग टूडे बिकॉज ही डिजर्व्स इट। तो हम लोग रेडी हो गए, सोमदीप नीचे है क्योंकि सामान हम लोगों ने बांध दिया बाइक पर। एंड द टाइम नाउ इज़ अराउंड 11 o'clock, हम लोग अभी निकलेंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट जाए घर या कहीं ब्रेक जर्नी करें। तो अभी सीढ़ियों से मैं चढ़ के आया और बहुत स्टीप सीढ़ियाँ हैं और सही में इसीलिए मैं हाँफ रहा हूँ। और यहाँ पर स्मिथ है, वो भी रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं नीचे, वो तो सोमदीप तो नीचे ही है ऑलरेडी। तो कुछ कुछ सामान मेरे बाइक में लोड हो गया, तो वैसे एडजस्टमेंट करके हम लोग जा रहे हैं। सो सोमदीप और स्मिथ एक बाइक में जाएगा और मेरे बाइक में मैं और सामान। तो खैर चलो ठीक है, अभी ये जैकेट पड़ा हुआ मेरा, अभी जैकेट पहनता हूँ मैं और जाता हूँ, जल्दी निकलता हूँ, मिलते हैं आपसे गोप्रो पे। यहाँ बुलेट पूरा पैक्ड है, ये सोमदीप का बैग है जो मेरे बाइक पे शिफ्ट हो गया, ग्लव्स भीगे हुए इसीलिए मैं पहन नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए हम लोगों ने सभी ने ग्लव्स ऐसे टांग दिए। और उदिप्तो का बाइक हम लोगों ने छोड़ दिया उसके ऑफिस पे एंड वी आर ऑल सेट एंड गुड टू गो। तो देखते हैं अभी कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं। जय श्री राम, ओम नमः विश्वकर्मणि नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। चलो ये लोग पता नहीं कहाँ आगे बढ़ गए, और बहुत दिनों बाद और हल्का लेयर पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से तो मैंने 3-4 लेयर चढ़ा रखा था, इतना बेकार लगता है और फ्लेक्सिबिलिटी एकदम लिमिटेड हो जाता है। सो इट्स फीलिंग गुड नाउ। और ये जो रास्ता है, ये तो मैंने सुना है कि ये कुछ गैंगटॉक को बाईपास करते हुए निकलती है डायरेक्ट सिलीगुड़ी के लिए एंड इट्स गुड। तो हाँ, आज तो धूप निकला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आराम लग रहा है भाई साहब, अगर धूप नहीं निकलता आज हालत ख़राब हो जाता। और यहाँ पर आगे से गाड़ी आ रही है, रास्ता ख़राब है तो इसीलिए सब रुके हुए हैं। यही चीज़ मैं कह रहा था, यही अगर हम लोग का उधर होता तो अभी राइट से दबा देता बहुत कोई गाड़ी। तो स्मिथ को लग रहा था कुछ मतलब ख़राब है रास्ता, ऐसा कुछ मुझे भी लग रहा है,
और अगर हम लोग वापस घुमाते 3 किलोमीटर हम लोग पीछे जाएंगे, तो विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। 3 किलोमीटर इज नथिंग फॉर अस नाउ आफ्टर ट्रेवलिंग 600 किलोमीटर्स वन डे सिंगल। तो फिर भी मैंने सोचा ये रास्ता सीधा एकदम गैंगटॉक को काट के निकलता है डायरेक्ट रानी पुल पे। चलो कम से कम सही से निकल गए, बट रास्ता मुझे सही नहीं लग रहा ये। मतलब शॉर्टकट के चक्कर में लंबा ना घूमना पड़ जाए भैया। तो हम लोग अभी पहुंच गए रानी पुल, और यहाँ से और 100 किलोमीटर के आसपास तो होगा सिलीगुड़ी। वी शुड टेक अराउंड 2 to 3 hours। और ये हो गया मेरा डिस्क ब्रेक मिस। यही होता है पहाड़ों में, ये गर्म होके मिस हो जाती है। और यहाँ पे अगर ब्रेक ना रहे तो बहुत दिक्कत की बात है भाई। अब देख सकते ये पूरा लूज़ हो गया, अभी ऐसा होता नहीं है। अब मुझे पूरा अपने पैरों के ब्रेक से चलाना पड़ेगा, ड्रम ब्रेक से पीछे। तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास अभी डिस्क नहीं है। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे, डिस्क हीट होके वो पैड्स फ्रिक्शन की वजह से वो ट्रैक्शन बना नहीं पाता, मतलब वो ग्रिप नहीं बना पाता, वो रबर्स बहुत गर्म हो जाते हैं तब स्लिप हो जाते हैं। अब सिलीगुड़ी क्रॉस करने के बाद, मेन तो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में तो जैम अगर मिल जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहीं पर बहुत टाइम चला जाएगा। और नीचे इतना सुनने में आया बहुत गर्मी है, इट्स लाइक 35 डिग्रीज 36 डिग्रीज चल रहा है नीचे, और हम लोग यहाँ अभी है 15-17 डिग्रीज में। तो भाई साहब सडन चेंज अगर हो जाए, बॉडी अगर ना ले पाए तो बहुत दिक्कत की बात है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर ट्रैवलिंग टू हिमाचल। हिमाचल जा रहे थे हम लोग, एंड हम लोग धर्मशाला में जब थे, धर्मशाला से मैक्लियोडगंज होगा अराउंड 13 किलोमीटर्स, एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, लिटरली ड्रॉप्ड फ्रॉम अराउंड 32 to 12 धर्मशाला से मैक्लियोडगंज। वो 13 किलोमीटर का स्ट्रेच में आप समझ सकते हैं कैसे ड्रास्टिक ड्रॉप किया टेम्परेचर। तो मुझे क्या हुआ था, मेरा नाक से खून निकलने लग गया था। आई डिडंट से दिस टू एनीवन, बट राज एंड पिकू इफ़ यू आर वॉचिंग दे नो। तो ये हुआ था मेरे साथ, तो वो एक चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ ताकि ना हो। ये क्या हो गया यार, अरे भाई साहब अचानक पावर निकल गया बाइक का। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, पता नहीं पावर अचानक एकदम ही नहीं। अब देख सकते हैं ऐसे मैं कर रहा हूँ, एक्सेलेटर जहाँ दाब रहा हूँ ये पावर नहीं ले रहा। और तो जितना लग रहा है मुझे इसका फ्यूज़ उड़ गया है। अब आधा किलोमीटर आ गया कि मैकेनिक है, पता नहीं साला क्या हो गया। चलो अच्छा है कि हाफ किलोमीटर आ गया मैकेनिक है, अभी देखते हैं क्या कर पाते हैं हम लोग। और अच्छा हुआ हम लोग को रोड में हुआ ये चीज़, ऊपर नहीं हुआ टुवर्ड्स गुरुदोंग मारा, अगर वहाँ होता तो भाई लग जाती। तो अभी मैंने सोचा था इसका फ्यूज़ उड़ गया, बट नहीं ये अभी तो ऑन हो गया, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। चल मेरे भाई, और ग्लव्स सूख गए शायद। ये जो फेज़ रहता है बहुत ठंडा या फिर बहुत गर्म, ऐसे हम लोग एक सिचुएशन में, हम लोग आए वहाँ से 15-17 डिग्री से, और अचानक हो रहा है अभी 25-26 के आसपास। अगर ये पूरा विंटर रहता या फिर पूरा समर्स रहता दोनों ही जगह, तो ये दिक्कत हमें होती नहीं। और ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं है तो मैं थोड़ा डर सा गया था। खैर अभी तो बाइक चल रही है बहुत अच्छे से, और भगवान करके घर पहुंच जाऊं मैं ऐसे ही आराम से। तो फिर से वो प्रॉब्लम चालू हो गई थी मेरे बाइक में, और बैक टू बैक दो बार हुआ, तो मुझे थोड़ा सा तो घबराहट होने लगी थी। तो मैंने सोचा एक मुझे दिख गया यहाँ पर बाइक रिपेयर शॉप, कुछ राइडर्स पॉइंट करके नाम था, एंड द प्लेस आई मीन इज़ लेट्स सी व्हाट्स द प्लेस, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर आई एम। यहाँ से तो रांगपो 10-12 किलोमीटर होगा, तो राइडर्स पॉइंट करके कुछ है इस रास्ते में, वहीं पे मैकेनिक वगैरह मिल गया मुझे, इट्स अ नाइस शॉप। राज मुझे कॉल किया था, और राज ने उसी टाइम, पता नहीं उसको कैसे क्या लगा, उसी टाइम उसने कॉल किया और मैंने बताया ये प्रॉब्लम हुआ है। राज इज़ अ गाई लाइक, ये बाइक के बारे में उसको काफ़ी अच्छा सारा उसको नॉलेज है, तो वो वहाँ से बंदा फ़ोटो भेज के गाइड किया है, और मैंने अपना करवा लिया ठीक। तो थैंक्स ब्रो, तो दीज आर दी पीपल हु सपोर्ट मी, और इन लोगों के वजह से ही मैं इतना लंबे लंबे राइड्स और इतना लंबा लंबा मैं टूर्स कंप्लीट करता हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।
दिस इज रंगपो आई गेस, डोंट नो फॉर श्योर, मे बी इट्स रंगपो। NJP 102 सिलीगुड़ी 88 मल्ली 30 रंगपो 11 किलोमीटर। अभी रंगपो 11 किलोमीटर है, टाइम तो लगेगा अच्छा खासा क्योंकि पहाड़ है यहाँ पे। वाह हद है यार, ये सब यही सब बाइकर्स की वजह से बाइकिंग कम्युनिटी बदनाम होती है, अपना लेन छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो इस बंदे ने अभी किया वैसे नहीं करना चाहिए। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या हुआ था, इसका चाबी का कुछ तो मतलब है एंड दी वायर्स, ये पूरा मेरा पूरा बाइक मेटल है तो वायर्स शायद अर्थिंग इसका हिल गया था या ऐसा कुछ तो बता रहा था वो। तो ठीक है वो भी हो गया, मेरा काम बन गया, चलो थोड़ा बहुत जो भी काम था मैंने करवा लिया एंड आई कैन गो पीसफुली। तो हम लोग सिक्किम एग्जिट कर गए एंड नाउ वी आर इन वेस्ट बंगाल। तो चलो अपने स्टेट में तो आ गए हम लोग वापस, अब देखते हैं कब तक सिलीगुड़ी पहुंचते हैं। और यहाँ के रोड्स तो बहुत ख़राब है थोड़े बहुत यहाँ पे, देखते हैं क्या हो पाता है। तो अभी क्या हुआ था, मैं तो आ गया इस साइड बंगाल में हूँ एंड आई कॉल्ड सोमेदीप से मेरी बात हुई अभी। वो लोग रंगपो में कोई एक रेस्टोरेंट में थे, वो खा रहे थे और मैं आगे आ गया बहुत ही ज़्यादा। राइट नाउ आई एम राइडिंग सोलो और वो लोग अभी आएगा, उन लोगों ने कहा अभी मुझे आगे जाने और वो लोग मुझे कैचअप कर लेंगे। तो मैं धीरे धीरे ही आ रहा हूँ आराम से। तो कुछ देर के लिए मैं यहाँ रुका था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर स्मिथ एंड सोमेदीप टू कम। तो वो लोग आ गए, हम लोग वहाँ फ्रूटी पिए एंड आई बॉट च्यूइंग गम्स जो कि मैं चबाते जाऊँगा, तो वो भी अच्छा रहता है, एक्टिव रहता है, नहीं तो ऐसे में भूख वगैरह लगते रहती है। और मैं ज़्यादा खाने से ज़्यादा लिक्विड प्रेफर करता हूँ ड्यूरिंग राइड, आई मीन लिक्विड इन द सेंस पानी। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टे समवेयर इन बिटवीन, कहीं बागडोगरा सिलीगुड़ी साइड में कहीं रोड के ऊपर अगर कुछ भी मिल जाए लॉज वगैरह तो वहीं पे बस जाएंगे आज भर, और कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है कल फिर अच्छे से एकदम डायरेक्ट चले जाएंगे घर। मुझे तो करने का मन था ये फुल स्ट्रेच, बट अगर बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आए रात के टाइम में और अगर मैं बिहार या झारखंड में रहूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। इट्स ऑलरेडी कितना हो रहा होगा, जब मैं वहाँ खड़ा था तभी 3 बज रहा था, 2:30, 3 ऐसे कुछ। तो अभी तो अच्छा खासा टाइम हो गया है तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सिलीगुड़ी रह गया बस 22 किलोमीटर और बागडोगरा 34। और ये जो लेफ्ट में आपको ब्रिज दिख रहा है, दिस इज़ द कोरोनेशन ब्रिज, द फेमस कोरोनेशन ब्रिज। और लेफ्ट से निकल जाती है ये रास्ता टुवर्ड्स कूच बिहार, लाटागुड़ी एंड ऑल। तो बहुत को यहाँ पर आते हैं बस फ़ोटो खिंचवाने, मतलब दिस इज़ द फेमस ब्रिज, द कोरोनेशन ब्रिज बहुत ही फेमस है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैम लगा हुआ है, दिस इज़ अ टूरिस्ट व्यू पॉइंट, बहुत कोई आप देख सकते हो वहाँ पर खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए सेवोक और रेलवे क्रॉसिंग आ गया। तो पहाड़िया पे तो खत्म हो जाएंगे अभी क्योंकि इधर से फिर सिलीगुड़ी वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है एंड पीछे हम लोग रह गया पहाड़ और हम लोग बढ़ रहे आगे। तो इस ट्रिप में तो लास्ट टाइम ये पहाड़ दिख रहा है आपको, मुझे भी अब पता नहीं कब दिखे,
लेकिन एक चीज़ है, मैं और ज़्यादा जगह जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा, तो आप लोगों को मैं वर्चुअली लेके जाऊँगा इन सब जगहों में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वैसे और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाऊँगा। बाय बाय हिमालयाज। बट ये चीज़ थोड़ा अजीब लगता है, अभी 2-3 घंटे पहले हम लोग थे वहाँ पर, था 13-14 डिग्री। 2-3 घंटे बाद हम लोग आ गए प्लेन्स में और यहाँ पर अभी टेम्परेचर हो रहा होगा 32-33। और ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये रोड, मैं हमेशा से ही कहता हूँ ये रोड में चलाना बहुत मज़ेदार है यार, सच अ डिलाइट। तो आप देख सकते हैं 80 तो ऐसे ही चल रही है मेरी गाड़ी, हंसते खेलते 80 में। तो ये सब एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है। तो हम लोग अभी घुस गए सिलीगुड़ी और जाना है हमें बागडोगरा, शायद रहना वहीं पे है। तो काफ़ी अच्छे टाइम पे हम लोग घुस गए यहाँ पे, मतलब वैसे कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुआ, जितना लगना चाहिए उतना ही लगा है। रास्तों के कंडीशंस ठीक थे, ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, बस एक दो पैचेस हैं वो इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, पहाड़ में रोड्स ख़राब होते ही रहते हैं। एंड रोड्स आर क्वाइट मैनेजेबल, वैसे मतलब कंप्लेन करने लायक नहीं है। तो खैर गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पर अब, तो अभी टाइम हो गया है 4:30 और हम लोग क्रॉस कर गए सिलीगुड़ी और हम लोग NH-62 या ऐसे कुछ है ये, तो उसके ऊपर है अभी। तो हम लोग हैं अभी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के सामने और हम लोग का रूम बुक हो गया। हम लोगों ने अभी तो बुक बागडोगरा में नहीं किया, हम लोगों ने किया इस्लामपुर में, क्योंकि हम लोग चाहते जितना जल्दी हो पाए, मतलब थोड़ा सा मतलब आगे ही बढ़ के रहें, पीछे नहीं रहना। तो हम लोगों ने वही बुक कर लिया, अभी जाएँगे वहीं पर और यहाँ से शायद 64 किलोमीटर होगा हम लोग, और 1 घंटा रहेगा पहुँचने में। टोटल 121 और इधर 60-64, मतलब वही 200 के आसपास हम लोग आज चला लिए। कल हम लोग वही अराउंड 350 किलोमीटर चलाएंगे तो वो सही रहेगा। और एक बात ये है, हम लोग सिलीगुड़ी में इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो टाइम मेकअप नहीं होता भागलपुर क्रॉस करने का। भागलपुर हमें क्रॉस करना है फर्स्ट हाफ में ही, ताकि हम लोगों को उस ब्रिज में जैम ना मिले, और ब्रिज में अगर जैम नहीं मिलता है तो हम लोग आराम से कल 3-4 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, ऐसे एक टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। और मम्मी का भी कॉल आया था, मम्मी पापा से मेरी बात हुई तो मैंने कहा था मैं डायरेक्ट कर लूँगा यहाँ से, बट उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दे, तो रह जाए एक दिन, कुछ रश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कल आना एक ही बार। तो मैंने भी सोचा हाँ यार सही है, एक मतलब आज थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बिता ही लेता हूँ एक दिन, और ऐसे भी कल से तो बस घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने दुनिया में खो जाएंगे, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। बज चुके हैं शायद और हम लोग अभी और 60 किलोमीटर के आसपास होंगे दूर वहाँ से, मतलब फ्रॉम इस्लामपुर फ्रॉम आर स्टे फॉर टुनाइट। और ये शायद टी प्लांटेशन है मेरा राइट और लेफ्ट में, तो सीन बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो होटल रह गया अब 5 किलोमीटर के आसपास,
और हम लोग इधर आ गए बिहार वाला रूट पे, पूर्णिया रूट पे। तो GoPro पे तो चार्ज बिल्कुल कम है और बैटरी में अभी दूसरा निकाल के लगाऊंगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एक ही बार होटल जाकर ही मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये सब रास्ते तो आप लोगों को तो पता ही है और ज़्यादा दिखा के मैं बोर नहीं करना चाहता आपको। इंटरेस्टिंग सा रहे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अगर हो सकता तो मुँह से दो चार गालियाँ ही निकलेगी इन इंसानों पर, क्योंकि यहाँ पे रोड सेंस बहुत ही बेकार है। तो अभी बज रहे हैं रात के या फिर शाम के 7:40। हम लोग पहुँच गए इस्लामपुर के एक होटल में। हम लोग ऑन दी वे ये बुक किए और होटल का नाम है माँ बासंती लॉज। तो हम लोग यहाँ पर हैं अभी। हम लोगों ने पहले खाना वगैरह ऑर्डर करवा लिया, क्योंकि हम लोग खा के फटाफट सो जाएंगे 8 बजे तक और कल निकल जाएंगे जितना जल्दी हो पाए। हम लोगों ने ऑलरेडी 210 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और बाकी है हमारा 390 किलोमीटर। तो 390 किलोमीटर बाकी है, 8.5 से 9 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो देखते हैं कितना जल्दी पहुँच पाए हम लोग, क्योंकि अब जल्दी पहुँचने में ही भलाई और अच्छाई भी है, मन भी नहीं लग रहा और इधर जल्दी जल्दी घर पहुँच जाते बस वही लग रहा। तो हाँ ठीक है, अभी स्मित अंदर है बाथरूम में गाना बजा रहा है। मैंने बोला भाई गाना बंद करें तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी मैं बैठा हूँ वही जगह पे, खाना अभी तक आया नहीं। बहुत भूत, इतना भूख लगी है कि भूख नहीं भूत निकल रहा है मेरे मुंह से। तो बात यही है, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और आँख देख के आप समझ सकते हैं हमें कितनी नींद, मतलब कितना नींद लग रहा है। हम लोगों को सोना है, बस थक गया बहुत ज़्यादा। और पहाड़ में 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी चला लेना, मानो 500 किलोमीटर के आसपास है ना, इतना टायरिंग रहता है। बाप रे बाप, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम लोग का तो मतलब हालत बहुत ख़राब हो गया अभी, मतलब और एकदम ठंड से एकदम गर्मी में आते टाइम ठंडा पड़ गया, आते जाते टाइम आने टाइम बहुत ज़्यादा था। सही में नहीं, इतना ठंड से एकदम से गर्मी में आना बहुत बेकार सा लगता है, वो चेंज बहुत फालतू लगता है। और फिर बीच में मेरा बाइक का वो जो प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा अर्थिंग का कुछ प्रॉब्लम हो गया था बाइक में, उसमें भी थोड़ा टेंशन था मेरा। खैर हम लोग तो सही सलामत और पहुंच गए इस्लामपुर में, आज रात को हम लोग यहीं रहेंगे तो ठीक है। और ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करते, क्योंकि हम मुझे खुद बोलने का मन नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं इसको देख के समझ में आ रहा होगा स्मित को, और मुझे मेरा आँख देखिए पूरा लाल हो गया एकदम। थकान बहुत है, थक के चूर हो गए हम लोग। बस एक बंदा को थकान वगैरह कुछ नहीं है, वो एकदम चार्ज रहता है, सुपर चार्ज, मतलब उसमें एकदम V8 इंजन लगा हुआ उसका। बाप रे बाप, अभी बाहर है फिर उसको अपग्रेड करके V12 कर लिया। बस खतरनाक बंदा है सोमेदे भाई, सल्यूट। तो अभी बाहर चला गया वो, बाहर जाकर अपना बाइक वाइक कुछ तो उसका नट वट वगैरह ढीला हुआ था, वो चला गया बाहर। फोन में बात करते करते आराम से वो काम वाम करके वापस आ गया, फिर कहीं और चला गया, निकल गया बाहर घूमने। तो खैर ठीक है, हम लोग से तो हो नहीं पाएगा, हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, हम लोग करना भी नहीं है। हाँ बस हो जाएगी। तो अभी हम लोग ज़्यादा तो सामान कुछ अनपैक नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जैसे के तैसे ही रखा हुआ है। बस मैंने बैग से ये हाफ पैंट और टी शर्ट निकाला, हम लोग ये भी वो भी सेम वही पहन के सोएंगे, सुबह पट पट डालेंगे, चेन लगाएंगे और लोड कर देंगे बाइक में, और कुछ नहीं करना। तो हाँ ठीक है, अभी मुझे फाइल्स भी ट्रांसफ़र करने, चार्ज भी करना है सारे बैटरीज वगैरह, और हमें जल्दी सोना भी है। तो ठीक है अभी इतना ही रखते हैं। और रूम कुछ ऐसा है हम लोगों का, और हम लोग अच्छा ही मिल गया है, ठीक है चलता है। इधर मेरा हेलमेट रखा हुआ है, यहाँ पर अंदर ड्रॉअर में रखा हुआ है उसका कैमरा स्मित का, इधर हम लोगों के जैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, वो टैंक बैग है, और बस हाँ इतना ही है सामान सब आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्मित है बैठा हुआ, बातें बातें करते हैं थोड़ी देर, खाना वाना खाते हैं, सोएंगे फिर। तो आज तो लास्ट डे जर्नी का, तो फिर कल से तो अपना अपने दुनिया में सब अपना बिजी। तो ठीक है हम लोग भी थोड़ा अभी मस्ती मजाक करेंगे, हमेशा कैमरा लेके तो कर नहीं पाएंगे कैमरा के सामने, क्योंकि ये सब दोस्त है मेरे और दोस्त के साथ मजाक कैसे होता है आप सभी को शायद पता होगा। और अभी तो क्लास लेना है सौम्यदीप का, आज लास्ट डे है तो आज तो भरपूर क्लास लिया जाएगा उसका, आज तो तू गया सौम्यदीप। तो ठीक है चलिए, मिलते हैं आपसे कल जब हम लोग जाएंगे घर, या फिर घर जाते वक्त, या फिर यहाँ से निकलते टाइम। तो ठीक है खैर, स्टे ट्यून्ड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Stay cool, stay raw, ride hard, ride safe and keep your parents happy. Namaste. Jai Hind, Jai Bharat.